अच्छी लगी तुम्हारी बुक। क्या नाम क्या उसका? ऑपरेशन पेबैक। हाँ, ऑपरेशन प्लेबैक। पेबैक। हाँ वही। सही है। स्टोरी टाइट है। सेकंड थोड़ा सा स्लो रहा। आपने पढ़ी मेरी बुक? इसने पढ़ी है। दो लाइन में समझाया मुझे। गुड, वेरी गुड। मेरा क्या है? मैं सिंगल स्क्रीन का सुपरस्टार हूँ। अब मल्टीप्लेक्स पर टेकओवर करना चाहता हूँ। ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ जिसमें सब हो, रोमांस भी, कॉमेडी भी, रोमेडी हो। बोले तो दोनों अंदर। क्या? क्लासेस, मासेस, दोनों अंदर। ग्रेट आइडिया। आजकल के राइटर्स हैं ना, कॉपीकैट्स। एक फॉर्मूला हिट हो जाता है तो 10-12 फिल्म बना लेते हैं। अरे साउथ की एक रीमेक बना रहा है, सब उसी के पीछे लग गए। चल रही है ना। लेकिन सर, नहीं तू बैठ जाए। सर मैं जाके मसाज करा के तो। सॉरी सर, आप प्लीज कंटिन्यू सर। तो कल रात को ना मैंने हॉलीवुड फिल्म देखी और मेरा बटन दबा और मुझे लगा कि ये है मेरा स्टैंडर्ड। फ्लाइट पकड़ी, स्टेट यहाँ आ गया। अब मुझे ऐसा मिक्स राइटर चाहिए जो हॉलीवुड स्टाइल में बॉलीवुड फिल्म लिखे। मिक्स राइटर, ग्रेट आइडिया। हाँ, पैसे का कोई टेंशन नहीं है। मतलब ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ कि मतलब कॉमेडी हो, चुम्मा चट्टी, किक ऐस। ओह, किक ऐस। डीवीडी देना बे। फर्स्ट हाफ मीट पेरेंट्स, सेकंड हाफ मीट फोकस, शेप डाल सिल्वर जुबली। लुक अरमान, जी अरमान जी, ये फेमस फिल्म है। वी कांट जस्ट कॉपी, आई मीन पकड़े जाएंगे। तो ये कब काम है? थोड़ा इधर उधर कर देना और पकड़े गए तो तू चोर, निकाल लूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं एक आईडिया दूं अरमान जी, आप इतने पैसे खर्च के यूएस से आए हैं यहाँ की बेस्ट राइटर के पास, तो इसे कुछ फ्रेश लिखवाते हैं। तो ओरिजिनली कौन से गांव से? मैं सैन फ्रांसिस्को से हूँ। इसीलिए सुन, तेरे क्या देखना तू देख, अपने को यंग लव स्टोरी चाहिए। बस समझ लो कि हो गया। इतनी अच्छी कहानी लिखी गई है कि आप लेडीज की हार्टथ्रोब बन जाएंगे। मैं तो बोलता हूँ कि जेंट्स की भी आप नंबर वन हार्टथ्रोब बन जाएंगे। कंट्रोल योर इमोशंस। अच्छा सुन, और जेनिफर से भी बात की है आइटम नंबर के लिए। जेनिफर? अपनी जेनी फ्रॉम द ब्लॉक जेलो। ओह सॉरी, माय बैड, जेलो जेनिफर। बस इतना याद रखना, फिल्म वर्ल्ड वाइड ब्लॉकबस्टर होनी चाहिए। डन सर, मेरी गारंटी। डन। किक एस, किक एस। गोविंद, ये रहा सर। हाय आंचल। यूडी। व्हाट, हू इज दिस? अरमान जी, सुपरस्टार। क्या पहचानता नहीं है क्या? ओह हाय मिस्टर अरमान जी। अरमान जी, क्या हो रहा है? क्या क्या हो रहा है? तूने फोन लगाया, तू बता क्या हो रहा है। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअली मैंने यही बताने को फोन किया कि आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी बन रही है, एकदम किक ऐस। गुड गुड, क्योंकि गाने सुपर हिट है। गाने? रोमेडी के बिना गाने के बनाएगा? और सुन, गाने की सिचुएशन ठीक से बनाना पिक्चर में, ऐसा नहीं लगना चाहिए जबरदस्ती गाने डाल दिए। जी जी बिल्कुल। सुपर हिट गाने तो दो टाइप के होते हैं, या तो डिस्को में ढिंचक ढिंचक करो या फिर बिस्तर पे ढिंचक ढिंचक करो। वाओ, इस टाइप का नॉलेज तो सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ आता है। असुन, दो चार किसिंग शॉट भी डाल देना पिक्चर में, यूथ वालों को मजा आना चाहिए। दूध वालों को? यस सर, आई कैन सी व्हाई दैट्स इंपॉर्टेंट। दूध वालों को नहीं, यूथ वालों को। ओ, यूथ वालों को? चाय नहीं, पिक्चर बना रहा हूँ मैं। जी सर, एब्सोल्युटली। अच्छा सुन, मैं अभी जिम में हूँ, थोड़ा सा बॉडी टाइट कर रहा हूँ, बाद में फोन लगा। और सुन, मैंने पिक्चर का गाना रिकॉर्ड किया है, टीम चेक सॉन्ग है, सैटरडे को पार्टी रखी है, आ जाना। जी जी बिल्कुल। दिस इज द बेसिक प्राइस। तो सर ये कह रहे हैं कि $10,000 सिक्स पैक है एब्स का, 10 का नया नाक, बाकी फेस का 10। इसको बोल 14-15 में सब कर दे, जब शर्ट उतार के गाना गाऊंगा ना पिक्चर में, आधी इंडस्ट्रीज की दुकान पर खड़ी होगी, निकल पड़ेगी खजूर की। सर ये क्या हुआ? ये थोड़ा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट नहीं बे,
एलर्जी है, एलर्जी है। ये पट्टी बीटी ये सब फॉरेन के लोगों का नाटक है। एक दो दिन में सब ठीक हो जाएगा। तेरा क्या हुआ, तूने लिखा कि नहीं? नहीं, वो मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। एक नया आइडिया है। ये क्या है? ये सर का ग्रेटनेस है। मेरा क्या है, मैं मेथड एक्टर हूँ। बहुत होमवर्क किया है मैंने। ये जितनी भी फिल्में ना, इसमें मैंने बेस्ट सीन मार्क किए हैं। उसमें जो तुझे सही लगता है तो उसको अपने स्क्रिप्ट पर डाल दें। उससे होगा क्या कि लोग उंगली नहीं उठा पाएंगे कि हम लोग ने इस पिक्चर को कहाँ से उठाया। मतलब आपने ये सारी पिक्चरें देखकर एक एक सीन पे मार्क किया है कि? इसने देखी है जी, मैंने समझी है। अब तो ये सब सीन ले और इसे मोहब्बत से चिटका डाल। अरमान जी, मैं कहता हूँ हम कुछ हटके ट्राई करते हैं। नहीं, हटके क्या है, तो कितना भी हटके कर, लोग तो बैठ के देखने वाले। ओके, आप मुझे बस एक हफ्ता दीजिए। आई प्रॉमिस यू, आपका माइंड ब्लो हो जाएगा। ये समझ नहीं रहा है ना, ये समझ नहीं रहा है। इधर देख, इस लुक में 10 पेज का डायलॉग निकल रहा है। सुनाई दे रहा है? होल्ड कर, होल्ड कर। फटाक वाइड शॉट, जिमी 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 क्लोज, फटाक फिर से वाइड अगेन एंड कट टू सॉन्ग। ऐसे लिखते हैं सर? अभी नहीं, एक टाइम पे मैं जो बोल दूं ना वो स्क्रिप्ट हो जाती थी, और अगर ना बोलूं तो पॉज, और अगर हीरोइन से चक्कर चल रहा है प्रेग्नेंट पॉज। तू ये छोड़ यार, तू अपना काम कर। ऐसे भी मेरे को किसी के साथ इंटरफेयर करना अच्छा नहीं लगता सर। ये सब आइडियाज तो इसलिए दे रहा हूँ ताकि तू थकीली स्क्रिप्ट ना लिख दे। नहीं नहीं, इट इज़ अ रोम कॉम, रोमेडी, लेकिन थोड़ा हार्ड हिटिंग होना चाहिए ना, थोड़ा इंटेंस होना चाहिए। राजू, इंटेंस और हार्ड हिटिंग तो जिंदगी भी है, ये सब तू अपने टाइम पे करना, समझा? सर, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि स्क्रिप्ट चीजी ना हो। चीजी? एक सच्चाई तू आज समझ ले, इस दुनिया का हर लड़का बचकाना है, हर लड़की इनसिक्योर है, और हम सब रियल लाइफ में चीजी हैं। अरे, पब्लिक पॉपकॉर्न लेकर बैठी है फैमिली के साथ में, उनके पैसे का चॉकलेट मत कर, सब चकाचक होना चाहिए और एंड हैप्पी। लड़का लड़की भागकर गले मिलते हैं तो मिलने दे, स्लो मोशन होने दे, सनसेट होने दे, बारिश होती है तो होने दे, गाने बजते हैं तो बजने दे। मैं तो कहता हूँ कि दोनों पप्पी लेते हैं तो लेने दे, आजकल तो सेंसर की प्रॉब्लम भी नहीं है। पब्लिक खुश होनी चाहिए यार, अपनी अकल के लूप में मत फंस। 300 रुपए में लोगों को जीना मत सिखा। बाकी और नहीं है सर, तुमने स्क्रिप्ट एक्चुअली लिख लिया है? मुझे लगा इनका भी एडवांस उठाना पड़ेगा, चेकबुक लेके आया हूँ। एक बात सुनी, घूरना मत। आई बोला था ना घूरना मत। हेलो, व्हाट्स दिस? द स्क्रिप्ट। आजा स्क्रिप्ट सुना समुंदर पे। उसे धीरे धीरे यकीन होने लगा कि वो बुक खत्म ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो शुरू ही नहीं कर पा रहा। फिर अचानक उसे रियलाइज हुआ कि खामोशी से बेहतर कोई शायरी नहीं होती, और उसने वही बात लिख दी। फिर पटाक से वाइड और स्लो मोशन में लाल कन्वर्टेबल एंट्री लेती है, और फिर जिमी 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 क्लोज। गॉगल पहनता है, सिगरेट जलाता है, सुपरहिट गाना शुरू होता है, हीरो की री एंट्री, और हाई स्पीड में कन्वर्टेबल आके रुकती है, और उसके अंदर एक गोरी कड़क आइटम बैठी है। उसका क्लोज, आपका क्लोज, उसका क्लोज, वो उसे गिटार पे गाना सुना रहा है, सॉफ्ट म्यूजिक, जिसे सुनकर लड़की के दिल के तार बजने लगते हैं। वो पलटती है और बारिश शुरू होती है। उसकी यादों में पागलों की तरह यहां से वहां भटक रहा है, बारिश कंटिन्यू हो रही है। फिर वो दरिया की तरफ देख के मुस्कुराता है और सोचता है, एक दिन, वन डे। फिर क्या होता है? मैंने इतना ही लिखा है। क्या
एंडिंग कहाँ है? एंडिंग मिला नहीं, वही ढूंढने जा रहा हूं।